अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो आज एक नया व्लॉग जो अपना स्टार्ट करते हैं, ये ट्रैवलिंग जो है व्लॉग होगा। तो आज हम आप हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं घर वालों के साथ और वो मान चुके हैं, और अब हम जो है वो ऊपर जो है वो चेयर लिफ्ट लेने जा रहे हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं, चेयर लिफ्ट लेते हैं और फिर आपको ऊपर से जो है उसका व्यू दिखाएंगे। पीछे जो आप देख सकते हैं ये सिंपलेस्ट वे है, सीधा सा रास्ता ही आ सकता है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। वहाँ पे आप देखें चेयर लिफ्ट जो है वो चल रही है। आइए हम जो है वो हम की टिकट्स लेके वहाँ पे चलते हैं और हम भी जो है वो इंजॉय करते हैं। और ये पीछे जो है वो देखें चेयर लिफ्ट जो है वो चल रही है। लेने हम आ चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो है ये चेयर लिफ्ट जो है वो चल रही है। पी थी कि शायद मैं भी बंद हो सकती है क्योंकि जो है वो कोरोना की वजह से, लेकिन ये खुली हुई है अभी। हमारी बारी आ चुकी है, ओनली लास्ट मेरी बारी आ चुकी है और अब जो है वो पीछे इसके ऊपर हम बैठते हैं और इसको जो है वो नीचे करते हैं और इसके ऊपर जो रखते हैं पाँव। तो बैठ चुके हैं और अब आपको नीचे का जो है नज़ारे भी कहते थे। और ये चेयर लिफ्ट से जो है आप देख सकते हैं नीचे इसका कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और इस साइड के ऊपर भी जो है आप देखें कितना प्यारा और हसीन व्यू आ रहा है इसका, और इस साइड के ऊपर भी जो है आप देखते रहे और वो जो है वो सामने से लोग आ रहे हैं और कपल। सो ये व्यू आप चेक करें चेयर लिफ्ट के ऊपर से, क्या कमाल का व्यू आ रहा है। मेरे ख्याल से जो है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चेयर लिफ्ट हैं तो उनमें से ये एक है। और कोई आ रही है कोई जा रही है, लेकिन हम तो ऊपर जा रहे हैं। और ये जो है नीचे से सड़क गुजर के जा रही है और इस ब्यूटी को जो है वो चार चांद लगा देती है ये, तो है ना बाबा जी लाहौर। नहीं नहीं बाबा जी लाहौर, बाबा जी की बात कर रहे हैं, बाबा जी तो नीचे पहले ही ऑलरेडी खड़े हुए हैं। जो है वो एक टाइम के लिए रुक गई थी, मेरी सांसें भी रुक गई थी, मैं कह लो जी यहाँ पे तो रात हो ही जानी है। खैर अब जो है वो दोबारा चली चली है और ये ऊपर जो आपको खड़खड़ की आवाज़ आएगी इसका ये जो है इन्होंने ये टावर्स लगाए हुए हैं, तो जब उसके ऊपर आती है तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। ऊपर से गुजर के जा रहे चेयर लिफ्ट पे, तो यहाँ पे जो नीचे मकान वगैरह आते हैं तो उन लोगों को प्राइवेसी का इशू होता है,
तो उन लोगों ने जो है वो कहते हैं कंपनसेशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है उन्होंने रिट भी दायर की हुई है कि आप लोगों के ऊपर से जो है वो गुजर के जाती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारी प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है। सो यहाँ पे जो है हुकूमत इस रिट के ऊपर क्या फैसला आता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात को माननी पड़ेगी कि इसकी वजह से जो है वो प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है। आप कितना कमाल का व्यू है यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ से जो है वो यह गुजर के जा रही है, तो और आपको एक मकान भी नज़र आ रहा होगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे जो है प्राइवेसी इन्फ्रिंज का जो है सबसे ज़्यादा इशू है, तो इसी वजह से जो है ऊपर से जो है वो हम गुजर के जा रहे होते हैं, नीचे लोगों के मकान होते हैं, तो इस वजह से जो है लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है। और ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से घर का सारा नज़ारा नज़र आता है, तो यही मेन इशू है। और बाकी चेलिफ्ट का मज़ा तो अपना ही है, लेकिन इधर से प्राइवेसी इन्फ्रिंज भी हो रही है जिन लोगों के यहाँ पे घर हैं। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए थे घर वालों के साथ तो इस वक्त हमने मार और मरी के आधे रास्ते में होना था। और ये भी हो सकता था कि हम जो है मरी के बजाय लाहौर की टिकट कटवा लेते और हम घर चले जाते। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है वो डेस्टिनेशन आने वाला है, इसके बाद यहाँ से हम जो है वो केबल कार को जो है वो लेंगे और हम आगे का जो है वो सफर स्टार्ट करेंगे। ये और आप जो है वो केबल कार का रुख करते हैं और आपको चल के जो अंदर केबल कार दिखाते हैं। केबल कार आएगी और फिर जो है हम इसमें जाएंगे, तब तक जो है हम यहाँ पे वेट करते हैं। अब हम जो है वो चेंज लेने के बाद जो है केबल कार की तरफ आ चुके हैं और नेक्स्ट सफर जो है वो शुरू करते हैं और आपको भी जो है वो इंजॉय करवाते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तीन कैबन जो होते हैं इसके, वो तीन कैबन आ चुके हैं। और मुसाफिर जो यहाँ से जो टूरिस्ट आए हैं वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। सो फाइनली हम जो है केबल कार के अंदर जो है हम बैठ चुके हैं और दरवाजा हो चुका है बंद, तो अब हम आगे चल के जो है आपको दिखाएंगे विजिट का व्यू, जो आपको दिखाता रहूंगा। हम जो है वो इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर है और यहाँ से जो है वो सारा नज़ारा जो है नजर आता है आपको, देखें सामने पहाड़ आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। ये ओपन एयर नहीं है वरना इसमें जो है वो ऑलमोस्ट मज़ा उसी तरह का लग रहा है जिस तरह के किसी जो है ना हेलीकॉप्टर में इंसान बैठा हो, इतनी ऊंचाई से जो है वो नीचे सब कुछ देख सकता हो। नीचे मकान आपको नजर आ रहे हैं और लोगों की जो है प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है, इसी वजह से जो है ये लोगों ने जो है वो रिट भी कर केबल कार जो है यहाँ पे रिट चुकी है। और यहाँ से जो है वो देखें आपके लोगों के घर के जो है सब कुछ नजर आ रहा है, लोगों की प्राइवेसी जो है इन्फ्रिंज हो रही है और ये इस बात पर वो राइट पे हैं कि उनकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है, क्योंकि आपके घर के ऊपर से कोई गुजर रहा हो और आप सो आपकी प्राइवेसी होती है, तो नीचे जो है यहाँ से हम सब कुछ ले केबल कार में बैठे हुए हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि चेयर लिफ्ट में ज़्यादा मज़ा है एज़ कम्पेयर टू इसमें, इसमें ना आप लोगों को हवा लगती है, आपके उल्टा जो है वो कान ही बंद हो जाते हैं और सिर्फ आप जो है ना नीचे का व्यू ही देख सकते हैं। तो अब हम पत्रियाटा की जो है चेयर लिफ्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ पत्रियाटा का नाम पत्रियाटा क्यों रखा गया, इसके पीछे इसकी हिस्ट्री। यहाँ पे एक फॉरनर यानी कि गौरा एक जो यहाँ पे सैर करने के लिए आया, ये पाकिस्तान बनने के पहले की बात है, तो बूढ़ी औरत गुजर के जा रही थी, लोगों को यहाँ पे जो है इंग्लिश इतनी नहीं आती, तो वो फॉरनर ने पूछा कि जो है ना ये कौन सी जगह है, तो जो है ना सर के ऊपर जो है ना वो आटे का थैला रखा हुआ था, उसने समझा ये मुझसे पूछ रहे कि ये क्या है। बेस्ट नहीं आ चुकी है, बाकी बाद में बताऊंगा। इस वक्त पत्रियाटा के टॉप के ऊपर मैं मौजूद हूँ, चेयर लिफ्ट और केबल कार के बाद जो है हम टॉप के ऊपर आए हैं और यहाँ का मौसम ऑलरेडी ठंडा ही होता है क्योंकि टॉप के ऊपर है, ये मरी से भी ज्यादा जो है मार रोड के ऊपर टॉप के ऊपर है। और मरी का सबसे पुराना जो विलेज है वो ये है, इसके साथ ये सलूक किया जाता है जिस तरह जो है वो जनूबी पंजाब के साथ जो सलूक किया जाता है, सारा बजट इस साइड पर लगा दिया जाता है, साइड पे बजट लगाया ही नहीं जाता, इस ये जो है डेवलप्ड एरिया नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये चेयर लिफ्ट जो है इधर से इंटेंट का वो नाम पत्रियाटा का मरी भी है। वो इंग्लिश नहीं आती थी, उसने समझा कि ये मुझसे पूछ रहे कि ये आपने क्या रखा हुआ है, तो उसने जो है ना पंजाबी के अंदर जो है ना जवाब दिया पुत्र आटा, मतलब उसने कहा पुत्र मेरे सिर पे आटा है। तो वो फॉरनर को भी जो है वो पंजाबी नहीं आती ना उसको उर्दू आती, उसने समझा कि इस जगह का नाम जो है ना ये मुझे बता रही कि पत्रियाटा है, पुत्र आटा मतलब पत्रियाटा, जो आपको पता उनके एक्सेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होती है, तो उसने का नाम जो है उसने पत्रियाटा जो है तब से जो है इसका नाम जो है पत्रियाटा पड़ गया, इस एब्रीवेशन के थ्रू जो है वो इसका नाम जो है पत्रियाटा पड़ा और अभी तक जो है ये इसका नाम जो है वो वही है पत्रियाटा। न्यू मरी भी इसको एक नया नाम जो है दिया गया था। और नीचे वाली साइड के ऊपर जब देखो जरा कितना कमाल का व्यू है, और यहाँ से जो हम पहले आए थे और ये कितना कमाल का व्यू है, और हम भी जो है ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं और अब हम वापसी का सफर तय कर रहे हैं, आप लोग भी जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं।
और अब यहाँ पे चल के जो है आपको फर्दर, और अब हम जो है आगे चल के जो इसका टॉप पॉइंट जो है वहाँ पे चलते हैं, और वहाँ पे चल के आपको दिखाएंगे वहाँ पे पत्रियाटा जो है वो अच्छा लगता है। उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे फैमिलीज वगैरह भी आ सकती हैं, कि मरी के ऊपर जो आपको पता ही है कि क्या हाल हुआ होगा और किस तरह के लोग वहाँ पे आते हैं। टॉप के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, पहले यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, अब जो है बादल आए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, साथ में धूप भी निकली हुई है, मतलब डबल टच है यहाँ पे, बहुत मजा आने वाला है। आइए आपके चलते टॉप का पॉइंट करवाते हैं। बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने यहाँ पे बैठने का इरादा किया है, यहाँ पे बैठते हैं और जो है थोड़ा गर्म होने की कोशिश करते हैं। ठंडे ठंडे मौसम में पकोड़े खाने का अपना ही मजा आएगा और साथ में फ्राइज, वाओ। चलो अब इसको चल के खाते हैं। पॉइंट का ऑलमोस्ट मैंने आपको विजिट करवा दिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सूरज है और साथ में बादल भी आपको नजर आ रहे होंगे दोनों एट अ टाइम है, और ये देखें जरा कितना कमाल का व्यू है यहाँ पे। पॉइंट हमने भी विजिट कर लिया और आप होप्स हो कि आप लोगों ने भी ये विजिट कर लिया होगा। तो अब ऊपर जो है सर्दी भट्टी चली जा रही है और अब हम नीचे चलते हैं, ये जो है वो वापसी का रास्ता है। अब हम जो है दोबारा केबल कार में पहले चलेंगे और फिर हम जो है चेयर लिफ्ट पे चलेंगे। आइए चलते हैं। अब जो है अपना वापसी का जो है हम सफर शुरू करते हैं, चलते हैं और केबल कार में जो है अब हम बैठते हैं। ओए होए ओए होए होए होए, चलो आउच। फाइनली जो है हमारी वापसी हो रही है और अब हम जो है दोबारा चलते हैं वापस। ये पहले केबल कार और अब जो है हम जो है वो चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठ चुके हैं और अब हम जो है वो वापस जा रहे हैं न्यू पत्रियाटा यानी कि न्यू मरी में दोबारा वापस जा रहे हैं। वो उधर हमने जाना और वो मेन सिटी है पत्रियाटा। चेयर लिफ्ट पे बैठने का सबसे ज्यादा मजेदार व्यू यही वाला है। जी हाँ, ये देख सकते हैं कि आप किस तरह बादल और जो सूरज है ये आपस में जो है वो चुपन चुपाई खेल रहे हैं और कितना कमाल का व्यू है। ओ हो वाओ, आई लव दिस। और ये देखें, वाह, इसी व्यू को देखने के लिए जो हम जो है चेयर लिफ्ट पे आए हैं। ये व्यू जो है आप गाड़ी के थ्रू जो है वो नहीं देख सकते। आई थिंक सो ये बेस्ट व्यू है ये वाला। आपको मैं जूम करके भी जो है ना ये दिखाता हूँ। हुए 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 हुए, वाह करते हैं। और ये देखें ना कितना कमाल का इस साइड के ऊपर आप लोगों को व्यू नजर आ रहा होगा और इसी तरह ये जो है वो व्यू नजर आ रहा है। क्योंकि अब केबल कार और चेयर लिफ्ट दोनों लेने के बाद जो है हम वापस आ रहे हैं, तो क्योंकि मेरे घर वाले भी व्लॉग देखते हैं तो उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो एंटरटेनमेंट मिस कर दिए लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोगों को बाकी लोग कम ही मिलेंगे, ज़्यादातर जो है यहाँ के ऊपर जो है ना कपल्स ही जा रहे हैं। सो ये व्यू आप चेक करें ज़रा कितना कमाल का व्यू है ये। और ये नीचे जो है वो भूल भुलैया टाइप इस तरह की कोई चीज़ इन्होंने बनाई हुई है और ये जो है सूरज और बादलों की जो है छुपन छुपाई हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो थोड़ी ही देर में जो है हमारा जो है ये डेस्टिनेशन आने वाला है और यहाँ पे हम उतरने वाले हैं और ऊपर से जो है मैं आपको सारा जो है ये विज़िट करवा देता हूँ। ये न्यू मरी का जो है चेयर लिफ्ट वाला जो है ये यहाँ पे है और ये कपल जो अपने तस्वीरें उतार रहे हैं, खैर हमें उनसे क्या। और यहाँ पे तो ज़्यादातर कपल भी, एक और कपल है ये देख कर हम यहाँ पे उतरने वाले हैं क्योंकि हमारा जो F-16 तैयार है वो यहाँ पे लैंड करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको ऊपर करते हैं और अब हम यहाँ उतरते हैं। चेयर लिफ्ट और केबल कार एंजॉय करने के बाद हम वापस आ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग और ट्रैवलिंग व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप सबके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।